लालू यादव के बड़े लाल और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव के समर्थन में अब जेडीयू आगे आ रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल का बयान आया है। कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने इन तमाम मामलों के बीच चुटकी ली है। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि कल रात तेज प्रताप यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू पे जो भी आरोप लगाए उस पे हम कोई भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन एक आरोप जो तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरा मर्डर भी करवाया जा सकता है, इसको लेकर के जेडीयू ने कहा कि सुशासन की सरकार में तेज प्रताप यादव को अगर कोई भी मदद की ज़रूरत हो, कोई भी पुलिस की मदद या फिर सरकार की तरफ से कोई भी मदद चाहिए, उसके लिए हम आगे हैं, एक बार तेज प्रताप हमसे बात करके तो देखें। तो कहीं ना कहीं जो कुछ राष्ट्रीय जनता दल के अंदर चल रहा है वो आप सब ने देखा। कल किस तरह से तेजस्वी यादव से जगदा बाबू की मुलाकात हुई, 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास पर मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद जब जगदा बाबू बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बसते दिखे, सीधे वो राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां उन्हें मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा। जगदा बाबू ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटा करके गगन कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद खूब सियासत तेज हो गई है और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो कुछ हो रहा है वह आप सबने देखा। तेज प्रताप यादव ने जगदा बाबू को हिटलर बताया और एक बार फिर से नए सिरे से जगदा बाबू पे हमला करना शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू ने चुटकी ली है और जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल इस पूरे मामले को लेकर के और तेज प्रताप यादव के समर्थन में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले निखिल मंडल को सुनिए। कल रात तेज प्रताप यादव जी ने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू पे कई आरोप लगाए। हमें उन सब पे कुछ नहीं कहना, उनका आंतरिक मामला है, वो सुलझाएं। लेकिन उन आरोपों के दरमियान एक आरोप जो तेज प्रताप यादव जी ने कहा कि उनका मर्डर भी हो सकता है, उनके जान पे खतरा है, उनका मर्डर भी करवाया जा सकता है या उनके सहयोगी का भी मर्डर कराया जा सकता है, तो मैं तेज प्रताप यादव जी से नम्र आवेदन करूंगा कि तेज प्रताप यादव जी, सुशासन की सरकार है, अगर आपको ऐसा कुछ खतरा लगता है या ऐसा कुछ एहसास है तो सरकार आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आप उचित प्लेटफॉर्म पे आवेदन दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।